भाई अगर आप पढ़ सकें पीछे सेन लिखा हुआ क्या है नीचे, तेरा बाप आया और वैसे लेके जा रहे हैं सब्जियां और सारी गार्लिक और ऑनियंस, बेसिकली किसी सब्जी स्टोर की सप्लाई जा रही है बहुत ज़्यादा, काफ़ी बड़ी तादाद में। लेकिन लिखा जनाब को भी, तो हम मंगोरा में रात को ठहरे थे और इस वक्त जो है मंगोरा से आगे की तरफ रवाना हो रहे हैं, देखें कि आगे का मंजर क्या होता है। यहाँ पे रात को आपने जैसे देखा कि चपली कबाब भी खाए थे और कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लिए थे, खूब इंजॉय किया और अच्छे फ्रूट्स हैं यहाँ के, तो उसको भी हम लेके भी चल रहे हैं साथ में ताकि रास्ते में कुछ इंजॉय करते हुए चलेंगे। तो कहाँ जा रहे हैं जनाब आज, हम बताइए जनाब कुछ। आज हम मालम जब्बा जा रहे हैं इंशाल्लाह। आज का हमारा विजिट वहाँ का होगा। तो यहाँ से कितना दूर है तकरीबन? यहाँ से मैक्सिमम 45 किलोमीटर है। 45 किलोमीटर तो तकरीबन दो घंटे, डेढ़ घंटा, दो घंटे कितना टाइम लगता है? डिपेंड करता है कि आपके ट्रैफिक के लिहाज से और रूट के लिहाज से। अच्छा, तो मालम जब्बा जो मशहूर है वो स्कीइंग वगैरह के लिए? जी बिल्कुल, इसके लिए भी सबसे ज़्यादा फेमस है वहाँ पे, वो चेयर लिफ्ट भी है। अच्छा, तो अगर स्की ना भी करना चाहें तो चेयर लिफ्ट के ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, पैसे दे के जो भी उनका है, अगर चेयर लिफ्ट है तो फिर ज़रा ऊपर चले जाएंगे पहाड़ों के ऊपर घर नजर आ रहे होंगे आपको दूर से, ऐसा लग रहा है कि वैसे कोई पहाड़ी उससे घरों से बने हुए हैं, लेकिन ये कि क्या सिस्टम होगा, कैसे आने जाने का उन्होंने रास्ता बनाया होगा ऊपर तक, और इस पहाड़ के ऊपर घर बनाना भी आसान काम नहीं होगा स्लोप वगैरह की वजह से। लेकिन कोई है सिस्टम और कोई वजह ही होगी कि लोगों ने एक से ऊपर एक ज़मीन खरीदी होगी ये सब कुछ गवर्नमेंट से, तो ऐसे तो नहीं बना सकते बगैर परमिशन के। लेकिन ये कि वो मंज़र है, सारा का सारा सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ये लोगों को इतनी आदत है कि आराम से वो सामने बच्चे भागते हुए चले आ रहे हैं उतरते हुए, हर तरफ यही मंजर है, सीढ़ियाँ हैं और इसी पर उतरना चढ़ना है हम कैसे जिंदगी का। उन्होंने पाइप लगाया हुआ उसके अंदर और उससे जनाब वो कर रहे हैं कलेक्ट उसी पानी से,
और इसका सिस्टम देखें आपको मैं दिखाता हूँ करीब से ले आके। इसी पानी को उन्होंने कनेक्ट किया है, ये पानी जो गिर रहा है यही पानी ऊपर से आ रहा है और इसी को फिर जो एक्स्ट्रा पानी भर जाता है उसको निकालने का पूरा सिस्टम बनाया है उन्होंने। और देखिए कितना ठंडा है, हाथ लगा के देखता हूँ, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ही ठंडा पानी। क्या खूबसूरत जनाब सिस्टम है, पूरा पाइप आ रहा है ज़मीन के अंदर और यहाँ से जाकर फिर वो ये निकला है पाइप का पूरा सिस्टम। और ऊपर से होते हुए वो ऊपर टॉप के ऊपर से वो जो प्रेशर है उसको सिलेक्ट करता है पानी को, और पीने का पानी है बेसिकली ये, इसमें आपको कोई फिक्र की जरूरत नहीं है, ये साफ़ सुथरा पीने का पानी। और इसी को भी भर के हमारे ड्राइवर ने पानी पिया भी है सीमे से। छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पे बनी हुई, ऊपर से एक चक्कर लगा लो, यहीं रुकेंगे आपके पास। अच्छा ठीक है, आप रहते कहाँ हो, कहाँ रहते हो? इधर नीचे ही है। अच्छा कब से है ये स्टोर? पाँच साल, पाँच छः महीने में, अभी नया खोला है। इसके पैसे देने पड़ते हैं, जगह के पैसे? अच्छा किराए पे। अच्छा मुस्लिम खान जनरल स्टोर, आप सही है तजर्बा जी। पानी पीने का आबशार का देखे क्या होता है, क्या नहीं होता है। मंजर यख पानी है, मज़ा आया पीने में? ठीक है पानी, टेस्ट का बिल्कुल सही है। अब जो है जैसे होता है पानी, मतलब हाँ खालिश पानी जी, क्या बात है। मिलती हैं नहीं मिलती हैं, खुली हैं नहीं खुली हैं, नज़र आती हैं नहीं नज़र आती हैं, अभी चल रही हूँ यहाँ पे। तो